हेलो कैंडिडेट, एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड 3 का आज दूसरा दिन है। टुडे इज 7th of June और अभी कैंडिडेट से पूछेंगे आज का पेपर कैसा रहा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा जिनका भी एग्जामिनेशन 14, 21 और 29 को, ठीक है। चलिए लेट गेट स्टार्टेड। हाउ इज द पेपर, कैसा रहा पेपर सर? पेपर ओवरऑल ठीक ही रहा। ठीक था हाँ, बट रीजनिंग में पूरा अटेम्प्ट नहीं कर पाए। ओके हाँ, क्योंकि मतलब 15 सर रीजन में टाइमिंग का टाइमिंग 15 मिनट जो टाइमिंग हाँ 15 मिनट में 25% अटेम्प्ट नहीं हो पाया। नहीं नहीं हो पाया। Okay. लगभग उसमें मेरा 17 का अप्रोक्सीमेट आपने सॉल्व किया। जी हाँ सर। ओके, व्हाट अबाउट मैथ्स? मैथ्स के पेपर के बारे में बताइए। सर मैथ्स तो लगभग ना ठीक था, क्वेश्चंस ठीक थे, बट उसमें भी पूरा अटेम्प्ट नहीं हो पा रहा था टाइम के इशू की वजह से। okay, क्योंकि 15 मिनट थोड़ा सा कम पड़ जा रहा है। okay, 15 मिनट का सेक्शनल टाइमिंग थोड़ा कम पड़ जा रहा है। हाँ यस सर। ओके, तो आप आने वाले एस्पायरेंट को 14, 21, 29 को एग्जामिनेशन है या आने वाले शिफ्ट में, यस सर, उनको बता दीजिए आपने जो गलतियां करी हैं सर ना करें। सर वो स्कीम्स पढ़ सकते हैं अच्छे से। ओके, स्कीम्स को क्या आ रही है जनरल और इसमें स्कीम को पूछा गया। हाँ सर, स्कीम्स पूछा गया है और प्लस ये है कि आप ये कह सकते हैं कि करेंट अफेयर्स को थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं। हाँ जी हाँ सर, और टाइम मैनेजमेंट थोड़ा पहले से मतलब माइंड पहले से प्रिपेयर करके जाएँ। जी हाँ सर, अकॉर्डिंग प्रिपेयर करके आए। हाँ सर। पेपर तो बढ़िया था। बढ़िया था। हाँ, मतलब लेवल जो है सो जिस तरह से FCI का लेवल होता है हमेशा से वैसा ही था, मतलब लेवल। अपने अटेम्प्ट कितना करा 100 में मैंने 61 किया है। 61 किया। ओके, तो आप अपने गलतियां बता दें जो आने वाला एस्पायरेंट ना करे, जो आपने गलतियां जैसे करी कि 60 मिनट में। हाँ मतलब 60 मिनट में है कि टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। okay. क्योंकि 15 मिनट में जो है सो आपको 25 क्वेश्चन करना ही करना है, नहीं तो वो ऑटोमेटिकली अपना नेक्स्ट लेवल में चला जा रहा है। तो वो चीज़ है कि टाइम मैनेजमेंट को थोड़ा सा ध्यान में रखे और जितना से ज़्यादा हो सके क्वेश्चन जो है चाहे रीजनिंग का हो या एप्लीट्यूड माइंड का जो है उसको थोड़ा सा बढ़िया से कर ले, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा जल्दी टाइम ले लेता है और तुरंत सबमिट भी हो जा रहा है। सबसे हार्ड तो हमको रीजनिंग लगा सर। रीजनिंग हार्ड है। उसके बाद सबसे इजी तो इसमें जो जनरल नॉलेज है वो काफ़ी इजी था। एग्जाम हार्ड नहीं था, मॉडरेट एग्जाम था। मॉडरेट क्वेश्चन था। सबसे पहले आप अटेम्प्ट बताएं, 100 में आपने कितना अटेम्प्ट करा? सर हम 73 का अटेम्प्ट किया। 73 अटेम्प्ट किया। यस। ओके, तो कौन से सेक्शन सबसे हार्ड लगा आपको? सबसे हार्ड ये लगा रीजनिंग। रीजनिंग हार्ड लगा। इसमें मतलब ये हम लोग SSC का करते थे लेकिन इसका कुछ अलग था, मतलब। ओके, तो पजल हार्ड लगा आपको? कुछ अलग था थोड़ा सा। okay, मतलब थोड़ा कुछ था। मतलब थोड़ा सा ये लगा। तो अब अपनी गलतियाँ बता दीजिए जो आपने इन 60 मिनट में किया, जो आने वाला स्पारन ना करे। यस, स्पीड। स्पीड। यस, उतना स्पीड पड़ेगा। यस, उतना स्पीड नहीं था। क्वेश्चन में इजी था बट स्पीड नहीं था। ओके ओके, टाइम मैनेजमेंट का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मैनेजमेंट बिल्कुल नहीं। मेरा पेपर मीडियोकर रहा, मैंने 72 अटेम्प्ट किया है। ओके, जैसे कि रीजनिंग का जो क्वेश्चन है वो एटलीस्ट एक सीटिंग अरेंजमेंट का दे रहा है जिसमें एक सीटिंग अरेंजमेंट से 5 क्वेश्चन है। okay. उसी तरह से एक और दे रहा है जिसमें से 5 क्वेश्चन है। okay. हाँ, उसके बाद नंबर सीरीज वाला दे रहा है। रॉन्ग थी या मिसिंग थी? मिसिंग वाला नहीं था, मिसिंग नहीं था। उसमें दिया हुआ था सिंबल्स और नंबर रहता है। okay, अल्फा न्यूमेरिक। हाँ, अल्फा न्यूमेरिक वाला कि इसमें से दायां गया बायां गया वाला में 3-4 क्वेश्चन इसी तरह से दे रहा है। मतलब अगर आप इंग्लिश देखें तो मैंने इंग्लिश 25 लगाया। इंग्लिश का लेवल बहुत ही आसान है। CGL का जिस तरह से एग्जाम था एकदम ईजी सिंपल सा है इंग्लिश। उसके बाद रीजनिंग में आया तो रीजनिंग लगभग 1-2 में डाउट रहेगा, उसके अलावा किसी में नहीं रहेगा। जबकि मैथ्स जो है मैथ में आपको थोड़ा सा टाइम को थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि शुरू का क्वेश्चन जो रहता है वो लंबा मैथ का है, आपका अर्थमेटिक वगैरह से क्वेश्चन रहेगा। लेकिन अगर आप 5-6 क्वेश्चन बाद जाएंगे तो आपको पता चलेगा छोटा छोटा सा सिंप्लीफिकेशन है। तो अगर हम किसी को सजेशन देंगे तो सबसे पहले बोलेंगे कि आप छोटा छोटा सिंप्लीफिकेशन से स्टार्ट कीजिए, ताकि वो बाद में आकर के पछतावा ना करे कि मेरा छूट गया सो। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन से है मैथ में, मतलब कि जो है टाइम आपका मैथ खाएगा वही है। उसके बाद GK भी उतना कुछ खास नहीं है। GK भी लगभग 20 क्वेश्चन आराम से टिक लगा करके आ सकता है कोई भी। आपके अकॉर्डिंग आप कहना चाह रहे हो जो 25 क्वेश्चन होता है उसको आप एक बार पढ़ ले? मैथ पढ़ने का पूरा टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन हम बता दे रहे लगभग सिंप्लीफिकेशन 5-6 आता है, जो कि सिंप्लीफिकेशन सारा का सारा इजी एकदम इतना छोटा छोटा है। SSC में तो इतना लंबा लंबा पूछता है, इसमें छोटा छोटा सा एकदम वो आसानी से बन जाता है लगभग 30-30 सेकंड। बताइए आप जनरल अवेयरनेस स्कीम से पूछ रहा है? हाँ, हमको लगता है 3-4 स्कीम से पूछा है कि और दिसंबर और 2022 का करंट अफेयर सारा पूछ रहा है। सब 2022 का नहीं, ज़्यादा पीछे नहीं। हाँ, दिसंबर 2022 का ही, रिसेंट का ही पूछ रहा है, स्कीम वगैरह से पूछ रहा है। एक PM निपुण स्कीम है, उसको दिसंबर 2022 में कौन सा नया स्कीम में चेंज कर दिया है, इस तरह से पूछ रहा है। फिर एक था कि
पीएम जो सुरक्षा बीमा वाला योजना है उसमें मंथली प्रीमियम यानी सालाना प्रीमियम कितना रुपया का दिया देना पड़ रहा है, इस तरह का क्वेश्चन था प्रीति वगैरह से। बाकी सब ठीक था। एक नदी से क्वेश्चन था कि प्रायद्वीपीय नदी पर कौन सबसे लंबी नदी है प्रायद्वीपीय भारत की, और क्वेश्चन और तो अभी याद नहीं आ रहा है। ओके, तो आपने अटेम्प्ट कितना किया, कंक्लूड कीजिए। मैंने 74 अटेम्प्ट किया है। हाँ, ज़्यादा एरर मैंने रिस्क नहीं लिया है, लेकिन 74। एक सार्क का स्थापना दिवस पूछ रहा था, प्रकाश वर्ष किसको क्या मापता है प्रकाश वर्ष, ये क्वेश्चन था इजी। हाँ, लगभग जीके का जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन, आई थिंक 17 से 20 आराम से कोई भी कर सकता है। ठीक ही रहा, ओवरऑल ठीक रहा। ओके, तो आपने अटेम्प्ट बताया, अटेम्प्ट कितना करा आपने? 92 किया मैंने। 92 अटेम्प्ट करा, इट मींस पेपर इजी था आपके लिए, राइट? हाँ, पेपर इजी था, ड्यूरेबल था। ओके, ड्यूरेबल था। ओके, तो कौन सा सेक्शन सबसे हार्ड लगा आपको? वैसा तो कोई सेक्शन हार्ड नहीं था, अगर जो पढ़ने वाले कैंडिडेट होंगे उनके लिए कोई हार्ड सेक्शन नहीं था, सिंपल से बात है। चलिए, अब आप बता दीजिए, आपने जो गलतियाँ करी, जो मिस्टेक हुई आपसे इन 60 मिनट में, आने वाला स्पारे ना करें। मिस्टेक है कि सबसे पहले आप जो भी ड्यूरेबल क्वेश्चन है पहले उस पर बनाइए, क्योंकि कोई कोई जैसे रीजनिंग में पजल्स होते हैं, छोटे छोटे हैं लेकिन कहीं कहीं फंसाते हैं। जैसे मेरा एक पजल्स में थोड़ा सा हम फंसे हुए और उसमें मेरा 5-7 मिनट चला गया। ओके, उसमें 23 मैंने अटेम्प्ट किया 25 में, लेकिन फिर भी बहुत टाइम ले लिया मेरा। ओके, तो आपके अकॉर्डिंग सजेशन ये है कि आप क्वेश्चन को पहले देख लें, जो बन रहा है उसको करें। हाँ, मतलब पजल्स को पहले स्किप करें, पहले जो ड्यूरेबल क्वेश्चन जो एकक मार्क्स का कैरी करता है उसको आप बना लो, और देन उसके बाद फिर लास्ट में पजल्स में आप अटेम्प्ट करो। हाँ, मैथ्स के बारे में बताइए। मैथ्स में जो आपका सिंप्लीफिकेशंस हैं, रॉन्ग सीरीज थोड़ा सा था, मतलब वो थोड़ा सा मॉडरेट था। हाँ, मॉडरेट था, बट जितने भी थे वो, और जो अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स थे वो थोड़ा सा ज़्यादा कैलकुलेटिव थे, बाकी ठीक था। जनरल अवेयरनेस बताइए। जनरल अवेयरनेस में जो करंट अफेयर्स और इकोनॉमिक्स थे वो ठीक थे, मतलब सब ठीक थे, इजी पेपर था। तो करंट अफेयर जो पूछा गया था, हाँ, कितने लास्ट 6 मंथ का या लास्ट 3 मंथ का पूछा गया था, पिछले 3 महीने या पिछले 6 महीने का? नहीं, वो 6 महीने तक भी पूछ रहा था। हाँ, पूछ रहा था। कोई कोई ऐसा स्टैटिक में ही लेकर, वो करंट अफेयर ही था लेकिन स्टैटिक में था वो। ओके, करंट अफेयर को स्टैटिक फॉर्म में भी पूछा गया? हाँ, स्टैटिक करके। ओके,